हेलो एंड व्हाट्स अप गाइस, मैं हूं विशाल। और क्या हालचाल, आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम मजे में होंगे। तो गाइस यार, आज मैं फिर से आया हूं एक और नया स्केटिंग लेसन लेकर। और आज के स्केटिंग लेसन में मैं इनलाइन स्केट पर बैकवर्ड स्केटिंग करते हुए टी स्टॉप लगाना सिखाने वाला हूं। वैसे इस स्टेप को क्या बोलते हैं, ओरिजिनल नेम क्या है वो तो मुझे नहीं पता है, लेकिन टी स्टॉप जैसे ही है। जब आप बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए जाओगे तो टी स्टॉप कैसे करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। इजी स्टेप नहीं होने वाली है, हार्ड ही होने वाली है, लेकिन फिर भी मैं आपको इजी स्टेप में सिखाने की कोशिश करूंगा। आप स्टेप बाय स्टेप क्लियर करके इसको सीख सकते हैं आसानी से। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज का स्केटिंग लेसन और सीखते हैं इनलाइन स्केट पर बैकवर्ड स्केटिंग करते हुए टी स्टॉप लगाना। तो गाइस सबसे पहली स्टेप, इस स्टेप में आपको मैं पैरों की पोजीशन बता देता हूँ। बैकवर्ड में टी स्टॉप करते वक्त आपकी पैरों की पोजीशन क्या रहेगी और किस तरह से मूवमेंट होकर उस पोजीशन में आपको जाना है। तो गाइस यहाँ पर मैं आपको पैरों की पोजीशन बता रहा हूँ बैकवर्ड में टी स्टॉप करते वक्त। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप बैकवर्ड में स्केटिंग करते जाते हो तो इस तरह से सीजर पोजीशन रहनी चाहिए, और जो पैर आपको आगे पीछे रखना पड़े उस तरह से आप रख सकते हैं, जिस तरह से आपको कंफर्टेबल लगे। तो मुझे इस तरह से कंफर्टेबल लगता है, ये वाला पैर मेरा आगे रहता है, तो जो पैर आपका आगे रहता है उस पैर को आपको पिछले पैर के सामने इस तरह से तिरछा कर देना यूं, और फिर ये वाला जो पैर है वो स्लाइड होते हुए इधर की ओर जाएगा और ये वाला पैर इस तरह से पीछे की ओर जाया करेगा। तो ये है आपके टी स्टॉप की पोजीशन, ये हो जाएगी बैकवर्ड में टी स्टॉप, इस तरह से लगता है जब आप बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए जाते हो। तो गाइस यहाँ पर आपने पोजीशन तो देख ली है किस तरह से आपको पोजीशन रखना है टी स्टॉप करते वक्त बैकवर्ड में, लेकिन इसको करना कैसे है स्केटिंग करते हुए वो मैं आपको आगे के स्टेप में बताऊंगा। तो गाइस यहाँ पर आपको मैंने पोजीशन वगैरह तो बता दी है, लेकिन इसको सीखने के लिए सबसे पहले आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए जो आपका पिछला पैर रहता है उस पर बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से एक पैर पर बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपका जो अगला पैर है उसको थोड़ी थोड़ी देर के लिए उठाकर और पिछले वाला जो पैर है उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी देर के लिए बैलेंस बनाने की प्रैक्टिस करना है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप सिर्फ पिछले पैर पर ही बैलेंस बनाकर इस तरह से बैकवर्ड में जाया करो। आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए पिछले पैर पर बैलेंस बना सकते हैं और अगले वाले पैर को आप अगर बैलेंस बिगड़ता है तो आप इस टेक भी सकते हैं, और आप बैलेंस बनाने के लिए अपने हाथों को भी इस तरह से फैलाकर रख सकते हैं ताकि आपका बैलेंस अच्छा बना रहे। और आप इस तरह से अगर प्रैक्टिस करते हो तो आप आगे की स्टेप जब करोगे स्लाइडिंग वगैरह या फिर दूसरी स्टेप्स वगैरह करोगे तो आपको थोड़ी सुविधा हो जाएगी। आपको बैकवर्ड में पिछले वाले पैर पर ज्यादा बैलेंस बनाकर रखना पड़ता है तो उसमें आपको थोड़ा हेल्पफुल रहेगा ये वाले स्टेप आप अगर क्लियर कर लेते हो। तो गाइस बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए एक पैर पर बैलेंस बनाना तो मैंने आपको सिखा दिया है किस तरह से करना है, थोड़ा बहुत ही लेकिन सीख गए होंगे। तो अब आपको मैं बताने वाला हूं कि जब आप बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए आते हो और टी स्टॉप करते हो तो वहां पर जो है टर्न हो जाता है आपका पैर, पिछला वाला जो पैर है वो जिस पैर से आप स्लाइड करते हो उस पैर की ओर टर्न होने को करता है। तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है और स्ट्रेट जाते रहना है उसकी मैं प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ, किस तरह से प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर देखो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, आप कुछ इस तरह से बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए जाते हो और जब आप टी स्टॉप करते हो इस तरह से पैर को लाते हो, अगले पैर को इस तरह से स्लाइड करोगे तो आपका जो पिछला पैर है वो इस पैर की ओर इधर टर्न करने की कोशिश करता है, मतलब इधर टर्न हो जाता है इस तरह से। तो आपको इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए प्रैक्टिस कैसे करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो देखो आपको नॉर्मल इस तरह से बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए जाना है और ये वाला जो पैर है इसको हल्का सा तिरछा रखना है और इस तरह से अंदर की ओर स्लाइड करने की कोशिश करना है, और ये वाला जो पैर है इस पर आपको पंजे वाले व्हील पर ज्यादा वजन रखना है और हल्का सा जब आप इसको स्लाइड करोगे अंदर की ओर तो आपको इस पैर को एड़ी वाले व्हील से हल्का सा बाहर की ओर मोड़ने की कोशिश करना है, तो आप जो है इधर की ओर टर्न नहीं होगे, स्ट्रेट ही जाते रहोगे। तो इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है, आपको इस तरह स्लाइड कर देना है और फिर वापस थोड़ा पीछे जाओगे तो ये पैर दूर हो जाएगा, फिर आपको वापस से इस तरह से स्लाइड करना है अंदर की ओर। तो आपको यहाँ पर कुछ इसी तरह से प्रैक्टिस करना है, और जब आप अपने पैर को अंदर की ओर इस तरह से स्लाइड करते रहोगे तो आपका जो पिछला पैर है वो अंदर की ओर टर्न होने की कोशिश करेगा, मतलब आप जिस पैर से स्लाइड कर रहे हो उस पैर की ओर टर्न होने की कोशिश करेगा। तो आपको उसी चीज को कंट्रोल करने की कोशिश करना है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपकी इस तरह से स्लाइडिंग की प्रैक्टिस भी हो जाएगी, आपका अगले वाले पैर को इस तरह से अंदर की ओर टर्न करके इस तरह स्लाइडिंग की प्रैक्टिस भी यहाँ पर हो जाएगी। तो आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। तो गाइस आपको इसी तरह से प्रैक्टिस करना है पैरों को स्लाइड करने की और स्ट्रेट जाने की, लेकिन यहाँ पर आपको एक दिक्कत आ सकती है, आपके जो पैर स्लाइड नहीं होंगे अगर आपके जो स्केट व्हील से वो 86 हार्डनेस से या फिर 85-84 हार्डनेस से कम हार्डनेस के होंगे तो स्लाइड नहीं होंगे और आपको दिक्कतें आएगी। तो 85 या फिर 84 से ऊपर ही हार्डनेस रहेगी अगर आपके व्हील्स की तो आसानी से स्लाइड हो जाएंगे और आपको दिक्कत वगैरह नहीं आएगी स्लाइडिंग की स्टेप सीखने में, तो ये जरूर ध्यान रख लेना आप। तो गाइस अब आती है लास्ट और फाइनल स्टेप, और इस स्टेप में आपको पूरा टोटल किस तरह से इसको प्रैक्टिस करना है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, और ये वाली स्टेप आप कर लोगे तो पूरी तरह से इस तरह से टी स्टॉप लगाना सीख ही जाओगे। लास्ट स्टेप में आपको यहाँ पर क्या करना है कि आपको पूरी तरह से टी स्टॉप लगाने की कोशिश करना है। तो पहले आप कुछ इस तरह से यूं टी स्टॉप कर रहे थे, मतलब प्रैक्टिस कर रहे थे स्लाइडिंग की, इस तरह से तिरछा पैर रखकर हल्का सा इस तरह से तिरछा रखकर प्रैक्टिस कर रहे थे, लेकिन अब आपको क्या करना है कि पूरी तरह से इस तरह से पैर को सामने लाना है और फिर पिछले वाला जो पैर है उसके साथ साथ पीछे की ओर स्लाइडिंग करते ले जाना है, मतलब इस पैर के साथ साथ इस पैर को भी स्लाइड होना चाहिए
इस तरह से, कुछ इस तरह से। तो आपको इस तरह से प्रैक्टिस किस तरह से करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस यहाँ पर आपको पहले स्टैंडिंग में अपने पैरों की टी पोजीशन ले लेना है और फिर अगला जो पैर है उससे आपको पुश लेना है और फिर वापस स्लाइड करते हुए पिछले पैर के पास में लाना है और एक लूप में आपको इसी तरह से बार बार करते रहना है और इस तरह से यहाँ पर आपकी जो प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से अगले पैर को तिरछा रखकर स्लाइड करने की प्रैक्टिस हो जाएगी। तो आपको इस चीज की अच्छे से प्रैक्टिस करना है ताकि जब आप स्केटिंग करते हुए इस स्टेप को करो तो आपको अगले पैर को इस तरह से तिरछा रखकर और फिर स्लाइड करने में ज्यादा दिक्कत ना हो, आपका बैलेंस अच्छा बना रहे और इस चीज की प्रैक्टिस करते वक्त भी आप इस तरह से अपने हाथों को फैला सकते हैं तो अच्छा रहेगा। इस तरह से पुश लेकर फिर स्लाइड करने की प्रैक्टिस करने के बाद में आपको स्केटिंग करते हुए आना है और फिर आपको इस स्टेप को करने की कोशिश करना है। गाइस यहां पर आपको इस तरह से बैकवर्ड में स्केटिंग करते हुए आना है और फिर आपको अपने पैर को अगले पैर को इस तरह से तिरछा रखकर स्लाइड करने की कोशिश करना है जब तक आपकी स्पीड स्लो ना हो जाए और यहां पर आप थोड़ी थोड़ी देर के लिए इस तरह से कर सकते हैं या फिर अगर आपका बैलेंस अच्छा बनेगा तो आप थोड़ी ज्यादा देर के लिए भी इसे कंटिन्यू रख सकते हैं, इस तरह से स्लाइडिंग करते हुए जा सकते हैं। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी प्रैक्टिस करते हो, कितनी देर प्रैक्टिस करते हो या फिर कितने अच्छे से बैलेंस बनता है, उस हिसाब से आप थोड़ी ज्यादा देर तक भी इस स्टेप को कर सकते हैं, मतलब टी स्टॉप कर सकते हैं बैकवर्ड में इस तरह से स्लाइडिंग करते हुए जा सकते हैं। तो वैसे तो ईजी है लेकिन इसको सीखने में थोड़ा हार्ड स्टेप्स वगैरह आ जाती है, आप अगर बिगिनर हो तो आपके लिए और भी ज्यादा हार्ड पड़ सकता है, मुझे खुद को हार्ड पड़ा था लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करता रहा तो ईजिली हो गया। तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप बार बार प्रैक्टिस करते रहोगे तो आप इजिली इस स्टेप को भी सीख जाओगे। तो आई होप गाइस कि आपको सबको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपको इनलाइन स्केट पर बैकवर्ड स्केटिंग करते हुए टी स्टॉप करना है। वैसे तो मैंने आपको इजी स्टेप में सिखाने की कोशिश करी है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करना है या फिर इंस्टाग्राम आईडी की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कहीं और स्केटिंग करते हुए, ब्लॉगिंग करते हुए या फिर इसी तरह से नए नए स्केटिंग लेसन लाते हुए। तो बाय गाइस।